भगवान करे ऐसे क्या बना दिवाली मुबारक। यहाँ से थोड़ा ज्यादा सुन क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना। आज है छोटी दिवाली और देखो मिस्टर गुप्ता कर रहे हैं पूजा। ये लगे हुए हैं पूजा मेकअप से और दिए भी इन्होंने जलाए हैं। ये अब हम गेट पे लगाएंगे ना। ठीक है गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं। साइड प्लीज। तो प्यारे सुंदर से लग रहे हैं ना। और ये देखो दिए भी रेडी है और अंदर देखो आज हम बाद में बताती हूँ स्टोरी तो। और हमने यहाँ देखो मंदिर में भी पूजा कर ली। कितने सुंदर लग रही है ना। ये देखो मंदिर में भी पूजा कर ली। ये मेरे मिस्टर गुप्ता। हैप्पी दिवाली तो बोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली। हम लोग कल से आए हुए हैं दिल्ली और साफ सफाई में लगे हुए हैं। पूरे घर की हालत खराब थी। हमने सारा घर साफ किया पहले सुबह से उसी में लगे हुए थे और अब हमने किया पूजा। पूजा करने के बाद हम जला रहे हैं दिए। फिर अभी गुड़गांव जाना है घर पे। वहाँ पे भी पूजा है। यहाँ रुक भी नहीं सकते। हाँ और बाहर भी हमने डेकोरेशन किया। अभी दिखाती हूँ आप रखो। ये हटाना देते पहले पन्नी। वेरी नाइस। देखो यहाँ पे सुबह से आके हमने कितनी मेहनत की है। सारा सारा घर साफ किया है। सारा घर मैंने और मिस्टर गुप्ता ने मिलके। और ये देखो ये लड़ियाँ भी लगाई हैं हमने। ये सुंदर सुंदर लड़ियाँ हम लाए थे इस वाले गेट के लिए। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और बाहर अभी गेट पे भी लगाया है बहुत कुछ। वो भी अभी दिखाती हूँ आपको। अब बस हम निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए। यहाँ पे सब थोड़ा समेट के और देखो हमारी चाय भी बन गई है। चाय पी के फिर जा रहे हैं घर वापस। और ये कुछ थोड़ा सा सामान बचा हुआ है ये हम घर लेके जाएंगे। ये रही चाय। और ये देखो फूल वूल सब लिए हैं हमने। और भी बहुत सारे फूल हैं जो कि फ्रिज में है। वो भी लेकर जाऊंगी घर। सुबह से हम बहुत टायर्ड हो गया है। और आपको जाके गुड़गांव वाले दोनों घर दिखाएंगे। मेरा भी और हीना का भी। प्रियंका का भी। इसका घर का नाम हीना है। हाँ हाँ यार बता दो। पता है मम्मी भी अपने ब्लॉग में मेरे को हीना हीना बोलती इसका है। घर का नाम हीना है। इसको प्यार से हीना बोलते है। मेरे घर का निकनेम हीना है तो मनीष भी मेरे को कभी कभी हीना बोलते हैं। क्योंकि जब ये प्रियंका बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारा झगड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो। ऑल्दो मैं कभी प्रियंका बोलता नहीं हूँ। झगड़ा हो या ना हो मैं प्रियंका नहीं। अब कभी कभी बोल देते हो तो ऐसा लगता है कि झगड़ा हुआ है। वरना मैं क्या बोलता हूँ आपको हमेशा। नोनी नोनी नोनी। ये हमारी साथ वाली आंटी की छत है। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सब कुछ। कितना सुंदर करके रखा है। वेरी प्रीटी। और झूले पे वो देखो वो दिए वाला कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला चलो। मिस्टर गुप्ता देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक गोला सा ऐसे जाला सा बना हुआ था जिसमें से कबूतर आके पार्टी कर रहे थे हमारे घर पे। पांच पांच कबूतर यहाँ ऊपर बैठ के पार्टी करते थे और आते वहां से थे उस जाल में से। तो आज हमने घर की सफाई किया तो हमें बहुत ऐसे लग रहा था कि कबूतर दोबारा ना आ जाए। इसलिए देखो बंद कर रहे हैं पूरा जाल। मस्त कील वील ठोक दी है। लकड़ लगा दिया। कुछ नहीं होगा इसका। अब कोई नहीं ला पाएगा। हम आए हैं हांगकांग मॉल क्योंकि हमें लेना है स्वीट्स 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 अपने नेबर्स के लिए और घर के लिए और हमें अपने खुद के खाने के लिए। देखो ऊपर वो जो कर सकते सजा हुआ है ना वहीं पे है। ये लोग स्वीट दिवाली में अलग फ्लोर पे कर देते हैं। मतलब कोई भी फेस्टिवल शॉप क्योंकि शॉप छोटी है। यहाँ
गया। ये देखो ये ऊपर फ्लोर पे कर देते हैं क्योंकि भीड़ हो जाती है ना इस टाइम पे, इसलिए कितना सुंदर लग रहा है वैसे, है ना, इस टेंपल वगैरह सारे हैं। हाँ सब कुछ है यहाँ पे अभी। ये करो मैं करवा के आ रहा हूँ, ये वापस कैसे लेकर आऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज है दिवाली और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोग कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली हम ना विजय सेल्स पे जा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा हमें घर का सामान चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो अब इतने दिन से हमें टाइम नहीं मिला, आज हमें थोड़ा भी टाइम मिला तो हमने सोचा हो आते हैं क्योंकि अभी दिवाली ऑफर्स चल रहे होंगे तो एक बार पता कराते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो हमने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले दिवाली का दिन भी तो दिखाना है आपको। हमें एक टीवी लेना है, एक म्यूजिक सिस्टम लेना है, हाँ, एक एयर फ्रायर लेना है, एक लॉकर लेना है। तो हम वही जा रहे हैं लेने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं आगे। So we have reached sector 29 गुड़गांव विजय सेल्स। 29 में बहुत सारे क्लब्स भी हैं, तो हम क्लब्स नहीं आए हैं, हम शॉपिंग के लिए आए हैं। विजय सेल्स वो रहा सामने, विजय सेल्स के नीचे ही हल्दीराम है। जाने से पहले पेट पूजा कर लूंगा, ये बोल रहा है नहीं कराऊंगा, नहीं कराएगा, ऐसे करेगा दोस्त है। देखो शेव कटिंग करा के आया दोस्त, फिर से 2 से 3 साल छोटा हो गया। वही इनसे मैं रंगोली का बोलूंगी कलर आते वक्त। चलो वो नहीं ले सकते आज, बहुत बड़ा है वो। कुछ सामान हमें अभी मिल गया है, कुछ सामान अब हमें कल या परसों डिलीवरी होगी क्योंकि आज दिवाली है तो सबको जल्दी है, तो एक सामान ही मिला है आज हमें, बाकी डिलीवरी हो जाएगी कल या परसों। अब विशाल से तो सॉरी विशाल, मैं विजय सेल्स को हमेशा विशाल बोलती हूँ, विजय सेल से आके इनको एक प्लांट लेना था तो इन्होंने वो लिया है, ये रेड वाला है ना जो, ये लिया है, इसको क्या बोलते हैं, पनसुटिया बोलते हैं इसको, वहाँ करा लिया है तो भैया कर रहे हैं, और एक मैरी गोल्ड भी लिया है। तो हम जल्दी में भी है कि हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना है और फिर हम परेशान भी हो रहे हैं कि हमें जल्दी घर पहुंचना है। फटाफट हम ये प्लांट्स लेके जा रहे हैं घर, में भाग रही हूँ क्योंकि मुझे गेट खोलना है। हटो, यो ये लीजिए, ये रहे हमारे दोनों प्लांट्स, पंचुटी और मैरीगोल्ड ना। अभी पहले हम जाएंगे घर, मनीष अपने घर और मैं अपने घर, और उसके बाद रेडी होके मुझे मनीष के घर भी जाना है मम्मी के साथ दिवाली देने के लिए, और फिर आके अपने घर पे पूजा करनी है और फिर मैं रात को जाऊंगी पटाखे फोड़ने के लिए और पकोड़े खाने के लिए। मनीष के घर पे मैंडेटरी दिवाली पे पकोड़े बनते हैं और हर साल वो नहीं खाता पकोड़े। हाँ, पहले जब मैं मतलब 2 साल से तो मैं जा रही हूँ मनीष के घर, पर उससे पहले क्या होता था पकोड़े बनते थे तो मेरे लिए मेरे घर पे आ जाते थे हर साल, 6 साल से कारण उन्हें पकोड़े दिवाली पे मैंडेटरी बनते हैं। बैंगन के पता है, फर्स्ट टाइम मैंने बैंगन के पकोड़े मनीष के घर पे खाए थे और क्या टेस्टी लगते हैं, आलू के प्याज के, टमाटर और बैंगन के लिए तो मेरे लिए न्यू थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम मनीष के ही घर पे खाए हैं। अब हम फटाफट घर चल रहे हैं। मेरे घर पे भी दिवाली पे लाइट्स लगी हैं, मैंने आपको दिखाई नहीं, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ब्यूटी, साइड से दिखाती हूँ सो दैट थोड़ी अच्छे से दिखे पूरी बालकनी की, लग रही है ना प्यारी। पेड़ों पे तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, जो थोड़ी थोड़ी लाइट्स आती है ना पेड़ों में से, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली गाइस, आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान करे
सबके घरों में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम लेफ्ट जाना भी है यहाँ से, हम जा रहे हैं मनीष के घर दिवाली देने के लिए। हम काफी लेट है बट अब हम जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं। वैसे घर बहुत पास है बट हमारे हाथ में सामान है तो हम नहीं जा सकते पैदल। दोबारा मिल लो मम्मी व्लॉग के लिए। दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। कनिका नहीं आई? कनिका वो सब मम्मी घर से आ रही है। अच्छा, मैं तो मिली नहीं। नमस्ते भाभी, मेरे लिए खुश रहो। भाभी एक बार उसके लिए भी। हैप्पी दिवाली भाभी। भगवान करे ऐसे प्यार बना रहे आपस में, जो सबका पावो भी आ गए। चलो अच्छी बात है ना, प्यार बना रहे। ये देखो, ये रहे हमारे फादर साहब। मनीष का लुक देख लो भाई। तुम अपना लुक तो दिखा दो। मस्त लग रहे हो। ये देखो पर्क्स ऑफ हैविंग दिवाली। मिस्टर गुप्ता काम कर रहे हैं। ये देखो, ये सब लगे हुए हैं काम पे। क्या क्या तैयारी हो रही है? दोनों के कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत वेरी प्रिटी। आपके सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। ये याद है कौन सा सूट है? ये पूजा देवी पापा से बनवाया था, ये वही वाला सूट है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। प्लेट ही प्लेट जा रही है। होय होय होय। सबकी खुशी देखो। आम ले लेंगे अभी। आप दोनों का थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है, पिंक पिंक। बिल्कुल याद है। यस, मधुबाला आंटी भी बड़ी प्यारी है। मधुबाला आंटी पूरा ब्लॉग ही बताते हैं। मधुबाला झाम ब्लॉग्स बताते हैं। आंटी का चैनल है मधुबाला झाम ब्लॉग्स के नाम से। मधु झाम ब्लॉग्स। झाम ब्लॉग्स। मधु झाम ब्लॉग्स। और कैमरे से कैमरे टकरा रहे हैं। नाना भाभी टकरा रहे हैं। खाना। हाँ। अब बस पकोड़े। ये देखो। दीपू संगीता ने पकोड़े बनाए हैं। अब उनको देखो, वो अकेले अकेले बैठ के खा रहे हैं। कैसे? अच्छे क्रिस्पी है ना? यहाँ पे लगाते यही बनाते हैं। अंगीठी है ना पीछे, वही ले उसी पर वो कर दो। ये देखो ब्लॉग बता। एयर फ्रायर में कर दे। एयर फ्रायर में बनाओ, यहीं पे बनाओ ताकि ब्लॉग भी बनता रहे। हाँ जी बताओ। क्या स्टेटस है? कुछ नहीं, मैं अपने कपड़े दिखा रही हूँ। मधु जी क्या स्टेटस है? स्टेटस खुश लग रहे हो बड़े। बहुत खुश है। एक तो दिवाली है। अच्छा। एक अपने बच्चों से मिलने आई हूँ तो खुशी तो होती है। दूसरा संगीत वो आई, दीपू आई। हाँ। आगे मम्मी को कहती मधुबाला आंटी आई। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पकौड़े खा रहे हो? पैसे पी रहे हो? प्लेट तो खाली पड़ी है सबकी, देखना खाली कर दी ना। चमचम का राज बताने देना। अभी और आ रहे हैं और कौन बना रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना सुंदर बनाया है दीपू संगीता ने। और ये महफिल जमी हुई है इन लोगों की। मेरी दोनों मदर को चमचम बहुत पसंद है भाई। और ये प्लांट जो हम सुबह लेके आए थे ये देखो, ये होती हुई डिलीवरी, होम डिलीवरी। गोभी के पकोड़े। और ये संगीता का हाथ है इसके पीछे। इसके पीछे मेरा हाथ है। सब कुछ बता देंगे। और एक ये रही, ये गोभी के पकोड़े इससे पहले आए थे। फ्रिज में शक्ल दिख रही है मेरी। और ये देखो किचन का हाल,
ये सारे पकोड़े की सामग्री और ये किचन का हाल कर रखा है। अभी पीछे की बालकनी में दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर में दिखाते हैं। हाँ जी सुरेंद्र गुप्ता जी, हाय 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 बाय। बोलो हाय बाय। चलो कोई नहीं, चलो थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देते हैं बाहर कैसी डेकोरेशन हुई है, हमने क्या क्या करवाया, थोड़ा सा ग्लिम्स।